बाबूजी, ये अस्पताल कितने दूर है? बस 5 मिनट और, लेकिन तना यहाँ की जिद नहीं करनी चाहिए थी बेटा। एक तो वैसे राजवीर तेरे से नाराज है, ऊपर तो अगर घर में किसी ने बेरा लग गया कि तू अपने कमरे में नहीं है तो एक और नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। तू जानबूझ के क्यों अपने लिए परेशानी खड़ी कर रही है? मैं ऐसे परेशानी नहीं मानती बाबूजी। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे भगवान मेरे प्यार का इम्तिहान ले रहे हो। सारी बात बताता हूँ, ठीक है जी? ठीक है, ठीक। चलता हूँ मैं, आप भी निकलो। हाँ, संभल के जाइए। जी भाई साहब। अच्छा, चल जग्गी, बैठ, जल्दी बैठ। बाबूजी, ये दीदी कौन है और वो जेल में क्यों थी? लंबी कहानी है बेटा, बाद में सुनाऊंगा। चलो चलो भाई साहब, अंदर है, हम साथ जाएंगे तो शक हो जाएगा उन्हें। तो एक काम कर, घूम गेट के आड़ में अंदर चली जा, जल्दबाजी मत करिए, सही मौके का इंतजार करिए। और सुन, यहाँ का रिसेप्शन तक तीसरा कमरा राजवीर का है, ठीक है? ऑल द बेस्ट बेटा, चल चल।
रही भाई, इतनी रात गए अस्पताल में? कौन सा गांव है तेरा? जी वो हमारे पति यहाँ भर्ती से, उन्हीं से मिलने आई हूँ। बावली और रखी के क्या? अपने घर जा, अरे अपने घर तक किसी मर्द ने भेज दे यहाँ बैठने के खातर। अरे रात के वक्त औरतों का घर से बाहर रहना ठीक नहीं होता, चल जा। शायद यही राजवीर का रूम है। चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी में ना सीखी, झूठ बोलना और दूसरा बेईमानी करना। बेईमानी मैंने भी नहीं की राजवीर, मैंने तो हमेशा ईमानदारी से तुमसे प्यार किया है। शायद मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया, पर लेकिन फिर भी आप यहाँ आई क्योंकि शांति नाम की चीज से तो आपको सख्त दुश्मनी से। अभी घूमते फिरते ताऊ यहाँ आएंगे और हमें देख लेंगे, और यही तो आप चाह रहे हो ताकि घर वालों को पता चल जाए कि किस तरीके से आपने उनको बेवकूफ बनाया। क्यों? थोड़ी बहुत चिलम चिल्ली होगी फिर आपको बहू बनाया कि अपना लिया जाएगा। लेकिन अपने इस बुलावे से बाहर निकलो मैडम जी, अगर ताऊ को पता चल गया कि ताऊ को इतना बड़ा धोखा दिया है आपने, फिर आपके भी सवालों का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे हिम्मत का। फिर ना रहूंगा मैं, ना आप, ना यू आपका नाटक। मरने से नहीं डरती हूं मैं राजवीर, डरती हूं तो तुमसे दूर रह के जीने से। राजवीर मैं तो सिर्फ तुम्हें मुझसे प्यार करते हुए देखना चाहती हूँ, वो प्यार जो तुम्हारे दिल के किसी कोने में छुपा है। फिर से वही नाटक, बंद करो अपना नाटक मैडम जी। भूल के वो दिन ऑफिस की छत पे खड़े होके आपने मैंने क्या दिखाया था? अपने सपनों का आसमान। और क्या कहा था मैं? इस आसमान को पाने के लिए, उस ऊंचाई को छूने के लिए आप कुछ भी कर सके हो। बस उसी तरह मैंने आपने अपना एक टारगेट बना दिया, थोड़ा धोखा दिया, सब सही गलत भूल भाल के आपने हमारे को हासिल किया। साथ फेरे लेकर तो आपने मैंने हासिल कर लिया मैडम जी, एक बंधन ने बांध लिया। लेकिन रिश्ता दिल से जुड़े, एक बात याद रखना, हमारे दिल में जगह आप कदर न बना पाओगे।